शांति। बाबा बच्चों को देख रहा था तो बाबा ने देखा कि बच्चों का स्वयं प्रति अटेंशन भी बढ़ा है और स्व परिवर्तन की परसेंटेज भी बढ़ी है, परंतु अभी भी बच्चे बीच बीच में मूंझ जाते हैं और सोचते हैं सारा दिन योग थोड़े ना ही लग सकता है। देखो बच्चे, कौन कहता है सारा दिन योग लगाओ? बाप तो केवल यही कहता है, बच्चे परमात्मा से सर्व संबंधों के सुख का अनुभव करो। समीप संबंध को निभाने में सोचना नहीं पड़ता कि कैसे निभाएं। लौकिक में तो सभी संबंध स्वार्थवश हैं, चाहे तो 1% चाहे तो 100%, परंतु परमात्मा बाप तो आप बच्चों के साथ सभी संबंध निस्वार्थ निभाता है। बस मन में बाबा कहा और बाबा हाजिर। बाप तो बच्चों के सच्चे दिल पर न्योछावर हो जाता है। जब बच्चे सच्चे दिल से बाबा को याद करते हैं तो बाप भी मदद के लिए हर पल हाजिर रहता है। बस दिल सच्चा होना चाहिए। यह नहीं कि प्राप्तियों के समय तो सच्चा दिल हो और थोड़ी सी भी हलचल हो तो स्थिति हलचल में आ जाए और बाप को छोड़ आत्माओं में फंस जाए। इसे सच्चा दिल नहीं कहा जाता। सच्चा दिल अर्थात हर अच्छे और परिस्थिति वाले समय में भी बाप पर 100% निश्चय। एक बाप दूसरा ना कोई, इसे कहा जाता है सच्चा दिल। तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग मिलन मनाऊं, हर हाल में। आप बच्चों को बाप पर 100% निश्चय होना चाहिए कि कुछ भी हो रहा है उसमें हमारा, केवल हमारा 100% कल्याण समाया हुआ है। बाप हर पल हमारा सहयोगी बन हमारा साथ निभा रहा है, इतना निश्चय। इसे कहते हैं एक बल एक भरोसा। देखो बाबा बार बार कह रहा है कि बाबा सहज से सहज रीति पुरुषार्थ भी करा रहा है और सहज से सहज रीति हिसाब किताब भी चुकतू करवा रहा है। इसलिए बाप पर 100% निश्चय रख, बाप जैसे कहे वैसे करते चलो। फिर बाप आपका 100% जिम्मेवार है और समय आते ही बाप आपको संपन्न और संपूर्ण बना, इन तूफानों से बचा, अपने संग ऊपर बिठा लेगा। बस थोड़ा सा धैर्यता पूर्वक पुरुषार्थ करते रहो। अच्छा, ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन YouTube, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.